हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और आज हम गांधी जयंती पर निबंध लिखेंगे, या निबंध का जो एक ढांचा होता है वो किस प्रकार का होता है, आपको क्या क्या बोलना चाहिए अपने स्कूल के अंदर ताकि आपका जो निबंध है वो अच्छा हो, या आपका जो भाषण है जो आप देने जा रहे हैं वो अच्छा हो। तो हम गांधी जयंती पर एक निबंध लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो गांधी जी के बारे में जो मूल जानकारियां हैं वो देख लेते हैं। गांधी जी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। उनके माता और पिता के जो नाम था वो था करमचंद गांधी और पुतलीबाई करमचंद गांधी। ये तो इनके पिता का नाम था और ये इनकी माताजी का नाम था। इनके जीवन साथी, या हम बोल सकते हैं इनकी धर्मपत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी जो मृत्यु थी वो 30 जनवरी 1948 यानी कि आज़ादी के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी स्मृति के नाम से इसे जाना जाता है। अब निबंध अगर हम लिखना चाहें तो हम इसे 10 पॉइंट में लिख रहे हैं, तो आप इन्हें 10 बिंदुओं के रूप में या लाइनों के रूप में बोल सकते हैं। तो हर साल 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी का जो योगदान था वो बहुत ही अधिक रहा हमारी आज़ादी प्राप्ति में, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और इन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने 2 रास्ते बताए, एक तो अहिंसा, 2 पाठ पढ़ाए, और एक सत्य, सत्य की राह पर चलो और अहिंसा का पालन करो। अहिंसा का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना। तो महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को आज़ादी दिलाई और सभी सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीसरी अगर बात करें तो गांधी जी का ये जो सफ़र था ये आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनकी जो नीति थी वो अत्यंत हिंसायुक्त थी, और गांधी जी की जो नीति थी वो थी अहिंसा से अहिंसायुक्त, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं थी। और जो अंग्रेज़ थे वो पूर्ण रूप से हिंसा में प्रयोग करते थे, जैसे कोई भी आयोजन हो रहा है उस पर गोलियां चला देते थे। लेकिन जो गांधी जी की नीति थी वो अहिंसा वाली थी, केवल ये कोई भी बात होती थी उसे सामने से जाकर बता देते थे कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, और लेकिन उन्होंने यह जो इनका रास्ता था अहिंसा और सत्य का, इस पर ये अटल रहे। गांधी जयंती के दिन राजघाट के समाधि स्थल पर, इनका जो समाधि स्थल है वो राजघाट पे है, उसको फूलों से सजाया जाता है और देश के राष्ट्रपिता को याद किया जाता है। साथ ही समाधि पर सुबह के समय धार्मिक प्रार्थना भी रखी जाती है। महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन बापू की याद में रघुपति राघव राजा राम ये गीत गाया जाता है सभी स्कूलों में, और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में निबंध प्रतियोगिता, यानी कि जो निबंध लिखे जाते हैं वो भाषण दिए जाते हैं, इस प्रकार की प्रतियोगिता या क्विज, क्विज का मतलब होता है आपस में कंपटीशन, बोलने वाला कंपटीशन, इस प्रकार रखा जाता है, या क्विज का मतलब होता है आपस में प्रश्न पूछे जाते हैं,
उनमें से कौन सही उत्तर दे सकता है आदि आयोजित किए जाते हैं। साथ ही इन प्रतियोगिताओं में विजय होने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। गांधी जी केवल युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे नेताओं के लिए। दुनिया भर के बड़े नेता जो हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, जेम्सन लॉसन आदि, महात्मा गांधी के विचारों पर काफ़ी विश्वास करते थे और उनसे काफ़ी प्रभावित भी थे। गांधी जी ने अपने विचारों और अपने जीवन को शब्दों के माध्यम से उकेरा और किताबें लिखी। उन्होंने विभिन्न प्रकार की किताबें लिखी जिन्होंने उन्होंने अपना सफ़र बताया और अहिंसा और सत्य की राह पर चलने के लिए हमेशा बोला। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे छुआछूत और लिंग भेद का मतलब होता है लड़का में और लड़की में अंतर करना, और छुआछूत का मतलब होता है जैसे जातिवाद होती है, बड़ी जाति वाले लोग छोटी जाति वाले को नीचा समझते हैं और उसका पानी इत्यादि नहीं पीते हैं, ना खाना खाते हैं, ना उनके साथ बैठते हैं। तो ये छुआछूत और लिंग भेद के खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई। वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसा समाज हो जिसमें सभी लोग बराबर हों और किसी के मध्य किसी भी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, लड़का और लड़की भी समान हों और जो अन्य लोग हैं वो भी समान हों, किसी भी प्रकार की जाति नहीं हो। गांधी जी के विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन को संवार सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस खास दिन पर हमें यह शपथ लेनी चाहिए कि उनके विचारों को हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। गांधी जी का कहना था कि मेरा मन मंदिर है, मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन में से नहीं गुजरने दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।